लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के नतीजों पर बहुत चर्चा हो रही है। सरयू में बहुत पानी बह गया, मॉनसून आ गया और इसके साथ ही अयोध्या का विकास भी बहने लगा। सड़कों पर जो रामपथ करीबन 500 करोड़ में बना था, उस रामपथ पर जगह जगह गड्ढे हो गए। इसके साथ ही सुभाषपा, जिससे अंतिम समय में भाजपा ने गठबंधन किया था, वह निशाने पर आ गई अपने एक प्रत्याशी को लेकर। कुल मिलाकर योगी सरकार का इकबाल, योगी सरकार की साख खतरे में दिख रही है। जगह जगह से अनबन की खबरें आ रही हैं, भाजपा नेता आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। परमहंस संत राजू दास की अयोध्या के डीएम से तनातनी हो गई और अब सारी बातें सतहों पर हैं। इन सारे मसलों पर मैं बात करूंगा। मैं हूं व्यालोक और हमारे साथ बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है जैसे योगी अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और इसके कई सारे आयाम हैं, लेकिन पहला आयाम विकास का जो दावा कर रहे हैं योगी या उनकी सरकार के मंत्री, वह रामपथ पर बहता हुआ दिख रहा है। क्या दो तीन अफसरों को सस्पेंड करने से घोटालों के दाग धुल जाएंगे? देखिए, जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के लिए हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं था कि विकास के दावों की पोल पहले नहीं खुलती थी। याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उन्होंने किया, उसके 3 दिन बाद ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे 2 जगह गड्ढे हो गए, धस गई सड़क। तो बात तो तब भी थी, सवाल तब भी थे, लेकिन अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ये आवाजें जो अभी तक दबी थी या दबाने में कामयाबी मिल जाती थी शासन सत्ता को, वो दब नहीं रही है। ये एक बड़ा बुनियादी फर्क होता है। जब आप कमजोर होते हैं तो आपकी सारी चीजें कहीं ज्यादा तेजी से सतह पे दिखाई देने लगती हैं। अयोध्या पूरी दुनिया में शोकेस किया जा रहा था, पूरी राजनीति अयोध्या के ऊपर थी, अयोध्या के सुंदरीकरण को लेकर के तमाम दावे थे। हालात अब वैसे नहीं रहे। अयोध्या के जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन बहुत जोर शोर से किया गया था और उसका नाम राजा दशरथ से के नाम से बदल के महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया, वहां की फ्लाइटें बंद हो गई क्योंकि एयरलाइंस का ये कहना है कि लोड नहीं आ रहा है, पैसेंजर लोड नहीं है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन बहुत भव्य बताया गया, पहली बरसात में ही उसकी बाउंड्री वॉल गिर गई। उसके बाद रामपथ, जिसकी चर्चा थी, जिसको लेकर के सजाया धजाया गया था और ये वही रामपथ है जिसपे चल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की थी, वो 13 जगह से धसी सड़क। 1-2 गड्ढे नहीं हुए, उसमें 13 जगह गड्ढे हुए। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इसमें इस पूरे सड़क में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ और मिट्टी भराई का काम हो या दूसरी गुणवत्ता के सवाल हो, उसने ये बता दिया कि ये सारे दावे वैसे ही पोपले और खोखले थे जैसे ये रामपथ निकला। साख पर निश्चित संकट आया है। भ्रष्टाचार के, विकास के भ्रष्टाचार का सवाल अपनी जगह पे है। बरेली में जिस तरह से दिन दहाड़े गोलियां चली सड़क पर और 1-2 नहीं, बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 राउंड की गोलीबारी हुई, वो बहुत बड़ी घटना थी जिसने आपके कानून के इकबाल के ऊपर सवाल खड़े किए। लगातार हो रही हैं, वो सवाल खड़े हो रहे हैं और उसके साथ साथ राजनीतिक घटनाक्रम भी बहुत विचित्र हो रहा है। चुनाव के नतीजे आने के बाद से 3 बार कैबिनेट की बैठक हुई है योगी सरकार की। पहली बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नजारत थे, दूसरी बैठक में एक डिप्टी सीएम नहीं थे और अब ये बात कहीं छुपी नहीं है कि सरकार के भीतर
आपसी खींचातान बहुत है। ये जी सब अभी चल ही रहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी ने हार की समीक्षा करने के लिए कमेटियां बनाई, अपने बड़े नेताओं को जेलों में भेजा, तो कई जगह उस बैठक के बीच में ही मारपीट हो गई, प्रत्याशियों के बीच में, वहां के पदाधिकारियों के बीच में मारपीट हो गई। तो ऐसी घटनाएं एक जगह नहीं हुई जी हुई तो जो अनुशासन और पार्टी विद डिफरेंस की जो बात होती थी वो उसके ऊपर दाग लगा। और सबसे बड़ा दाग नीट पेपर लीक घोटाले के भीतर जब तमाम चर्चाएं चल रही थी, तब ओम प्रकाश राजभर, जो कि एक बड़े अलायंस है और उनको दोबारा मंत्री बनाया गया है योगी सरकार में, उनके विधायक बेदी राम के ऊपर खुलासे होने लगे। बेदी राम पहले से हिस्ट्री शीटर रहा है, बेदी राम के ऊपर वो जेल जा चुका है नकल कराने के आरोप में, पर्चा लीक के मामले में कम से कम एक दर्जन के करीब मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। और वो व्यक्ति जब सत्ताधारी पार्टी का एक हिस्सा होता है तो सवाल उठने लाजमी हो गए, और वो एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया। तो कुल मिला के जो डबल इंजन का नारा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि विकास तेज होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, कानून का राज होगा, ये सारे दावे एक धराशायी हो गए, ठीक वैसे ही धराशायी जी रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल धराशायी। तीन आयाम थे जिस पर योगी सरकार अपनी गवर्नेंस की मार्केटिंग करती रही। पहला कानून का राज, और हमेशा कहा गया कि माफियाओं की नकेल कस दी है, हमने माफिया चले गए हैं यूपी से बाहर, उसका मुजाहिरा आपने बताया है बरेली में। गठबंधन के तौर पर देखें तो वो बेदी राम का प्रकरण एकदम लज्जाजनक हो गया है और छुपाए मुंह नहीं बन रहा है। और तीसरा विकास का आयाम, जो इतने इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे हाईवेज, 9 हाईवेज बन गए हैं, हम सबसे ज्यादा देश में हाईवेज बना रहे हैं, वगैरह वगैरह। सवाल ये है कि क्या योगी अब इस नाजुक घड़ी में बचकर निकल पाएंगे, या उन पर भी तलवार लटकी हुई है, उन्हें भी बलि का बकरा बना दिया जाएगा? देखिए, योगी निश्चित तौर पर एक ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां पर कि उनके लिए राजनीतिक चतुराई का इम्तहान होना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही उनके समर्थकों ने एक पूरी लाइन ले ली थी। उनका ये कहना था कि ये पूरा का पूरा चुनाव योगी जी की मर्जी के खिलाफ टिकट बांटे गए, ये सारी जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व की है। और जैसे ही ये चर्चा आई, वैसे ही फिर सतह पर यह भी बात आने लगी कि जो केंद्र और उत्तर प्रदेश के बीच में संघर्ष की चर्चाएं होती थी कि सब कुछ बहुत स्मूथ नहीं है, आराम से नहीं चल रहा है, तालमेल नहीं है, वो और सतह पर आ गई। योगी समर्थकों का ये कहना है कि योगी ने कम से कम 25 टिकट काटने की बात कही थी, लेकिन अमित शाह ने नहीं मानी और उन्होंने अपने हिसाब से टिकट दिए, इसलिए योगी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलता है। जिस तरह से राजनीति का पैराडाइम शिफ्ट हुआ है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर हिंदुत्व की राजनीति बनाम जाति अस्मिता की राजनीति में, वो जाति गोलबंदी या कहिए कि जाति अस्मिता की लड़ाई ऊपर हो गई है, ऐसे में अब ये प्रश्न भी खड़ा होने लगा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हिंदुत्व का चेहरा चाहिए या हिंदुत्व का कोई पिछड़ा चेहरा चाहिए। और इसी से रिलेटेड एक अंतिम सवाल, संक्षेप में इस पर टिप्पणी चाहेंगे। अब यह बात कहीं छिपी नहीं रही है कि गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में 3-4 महीनों से बातचीत तक नहीं हुई है। आपने 25 का बताया, हम पत्रकारों की दुनिया में 35 का आंकड़ा चल रहा है कि 35 सीटें उन्होंने कही थी हटाने को। बहरहाल, केंद्र और राज्य की रसाकसी अलग चल रही है अपने नेताओं से, और इसमें सबसे बड़ा संकट यह है कि योगी न तो भाजपा से आए हैं और न ही संघ से। क्या होगा योगी का? देखिए, इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए कि जो पार्टी के कार्यकर्ताओं की हताशा और निराशा थी, इन नतीजों के बाद वो भी सामने आने लगी है। कई जगह अधिकारी पीटे भी गए हैं, तो
जो जो कानून और शासन का इकबाल था वो इकबाल भी ध्वस्त हो गया है। अब आपका प्रश्न जो है वो सही बात है कि योगी ना भाजपा के बैकग्राउंड से आते हैं और ना ही संघ के साथ उनका कोई रिश्ता रहा है, बल्कि उन्होंने तो दोनों के खिलाफ एक पैरेलल संगठन हिंदू युवा वाहिनी भी खड़ा करके लंबे समय तक चलाया। अब योगी आदित्यनाथ को भी ये पता है कि अगर राजनीतिक रेलिवेंस अपना बना के रखना है तो उनको अपनी खुद की नींव मजबूत और करनी पड़ेगी, और इसीलिए हिंदू युवा वाहिनी के नेताओं को संदेश भी भेजे जाने शुरू हो चुके हैं। योगी को पता है, ये बात बहुत स्पष्ट है कि अगर वो दबाव की राजनीति में कामयाब नहीं हुए, अपर हैंड नहीं हुए, भारी नहीं पड़े, तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के भीतर एक बहुत बड़ी लॉबी ऐसी है जो उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने में लगी हुई है। इस बात पे भी अब कहीं कोई छिपाव नहीं रह गया है। ऐसे में अगर ये स्ट्रेटजी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बनाता है कि उसको उत्तर प्रदेश में पिछड़ा नेतृत्व सामने लाना है, पिछड़े वर्ग का नेतृत्व सामने लाना है, तो योगी के लिए खतरा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अभी खुद के संघर्षों में फंसी हुई है। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होनी बाकी है, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संगठन मंत्री तक के बारे में सवाल हैं। तो ये सब कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसमें कब कौन सा विकेट किस वजह से गिर जाएगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल, हम सब लोगों की निगाहें हर रोज बदलते हुए घटनाक्रम पर लगी हुई हैं, इसलिए ये कह देना कि केंद्र से लेकर प्रदेश तक, नरेंद्र मोदी से लेके योगी आदित्यनाथ तक कोई मुतमईन नहीं है कि उसकी कुर्सी कितने दिन तक बची रहेगी। और ये गहरा संकट है भाजपा के लिए, भले ही उसने अभी भी 240 सीटें बटोर ली हैं, जो कि पिछली तीन सरकारों से ज्यादा है। कांग्रेस की दो सरकारें में कभी भी, भले ही उसने यूपीए के दोनों दौर में 200 से नीचे ही रहा था, इसके बावजूद भाजपा पर संकट है और उसे गहरे आत्मचिंतन की दरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विस्तार से हमसे बात की। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।